हिंदुस्तान युवा देश है, जैन समाज युवा है। हमारे समाज में 50% से ज़्यादा लोग 25 वर्ष से कम उम्र के हैं। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज अगर जैन समाज प्रगल्भ है, प्रबुद्ध है, सफल है, तो उसकी वजह है जैन संस्कार। और हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम ये संस्कार, ये मूल्य जो हमें विरासत में मिले हैं, ये हम अगले पीढ़ी को दें। जब तक हम ये अगले पीढ़ी को संस्कार और विचार नहीं दे सकते हैं, हम हमारे समाज को जो आज बलशाली है उसको टिका के नहीं रख सकते। और ये क्या संस्कार है, तो इसका आपको आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी और विनोबा की भी जो प्रार्थनाएं हैं उसमें जो 5 बातें कही है वो वही है जो भगवान महावीर ने कही है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये चीज़ें ही जैन समाज को ताकत देती है और इन्हीं चीज़ों को हमें आगे बढ़ाना है। मैंने आपसे पहले कहा कि विचार जो जैन समाज का, जैन धर्म प्रवर्तकों का टिक के रहा, उसकी वजह संप्रदाय था और संप्रदाय अब नष्ट हो रहे हैं। मुझे याद है मेरे बचपन में हर शहर के एक एक इलाके में एक एक संप्रदाय रहता था। कहीं पे जैन लोग रहते थे, कहीं पे माहेश्वरी रहते थे, कहीं पे अग्रवाल रहते थे, कहीं पे कुमार रहते थे, कहीं पे मराठे थे। आज ये सब लुप्त होता जा रहा है, तो संप्रदाय की ताकत घटती जा रही है। इसके जगह पे क्या आएगा, इसके जगह पे इंस्टीट्यूशंस आ सकती है। और जो इंस्टीट्यूशंस आना है वो इंस्टीट्यूशंस वैल्यू सिखाने वाली होनी चाहिए, मूल्य सिखाने वाली होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जो नई सोसाइटी बनने जा रही है वो नॉलेज सोसाइटी है। आज हम मानते हैं कि हम इंफॉर्मेशन और नॉलेज एज में रहते हैं। इसका क्या मतलब है? इंफॉर्मेशन क्या होता है? ज्ञान यानी इंफॉर्मेशन नहीं। इंफॉर्मेशन तो डिक्शनरी में है और गूगल पे है, आपको जो चाहे सो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इंफॉर्मेशन ज्ञान नहीं है। आपने बहुत रट रखा है तो आप ज्ञानी नहीं हो गए। इन्फॉर्मेशन से ऊंची तहत है नॉलेज की। पर नॉलेज यानी इन्फॉर्मेशन को कैसे समझना, तो ये भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है जो इस नॉलेज को अपने संस्कारों से कैसे वापरना, इसकी जब बुद्धि निर्माण होती है तो वो ज्ञान है। तो हमें हमारे युवाओं को नॉलेज देना है, इन्फॉर्मेशन देना है, पर ये समझ देना है, ये मूल्य देना है कि जिसके वजह से वो अच्छे जैन बन सके, अच्छे नागरिक बन सके, अच्छे उद्योजक बन सके। बहुत बार ये लोग हिचकिचाहट महसूस करते हैं कि उद्योग प्रोडक्शन, अगर मैं स्टील की फाउंड्री लगाऊं तो आग जलाता हूं, तो क्या ये गलत है? अगर मैं फलाना बिजनेस करता हूं तो उसके अंदर क्या हिंसा होती है? ये विचार मन से हटा दो। ये विचार अपने आप को गलत चीज़ों में बांध लेना है, ये आर्ग्यूमेंट यूजलेस आर्ग्यूमेंट है। आपको जो उद्योग करना है उसमें संकल्पी हिंसा नहीं होनी चाहिए। 4 प्रकार की हिंसा बताई गई है। साहजिक हिंसा, मतलब आप चल रहे हैं और चलते चलते कुछ चींटी आपके पैर के नीचे आपके अनजाने में आ गई, तो वो हिंसा नहीं है, उसका आपको कोई दर्द, कोई दुख नहीं होना चाहिए। दूसरी हिंसा है व्यावसायिक हिंसा। आप कुम्हार हो,
और आप आग जलाते हो जिसके अंदर आप आपका सामान सेक रहे हो, तो उस मिट्टी में कुछ कीड़े हैं, वो जल जाएंगे। ये व्यावसायिक हिंसा है, इसको भी विरोध नहीं है। तीसरी हिंसा है विरोधी हिंसा। आपका कुटुंब परिवार है, आपके मित्र है, किसी ने आके उन पर हमला किया और उनको मारने लगा और आपने भी हथियार उठाया और उस आदमी से आप लड़ लिए और उस लड़ाई में उस आदमी की मृत्यु हो गई, इसका कोई गलत परिणाम नहीं है। विरोधी हिंसा इज नॉट डिसअलाउड। सिर्फ वो हिंसा असली हिंसा है जो संकल्पी हिंसा है। आप बोलो कि मैं इसका बुरा करूंगा, मैं इसको मार डालूंगा, तो वो हिंसा है। तो व्यवसाय करते वक्त हमने हमारा जो विचार का दायरा है उसमें ऋषभदेव को ध्यान में रखना है कि ऋषभदेव ने ये बताया कि आप असी मसी कसी कृषि कला वाणिज्य विद्या इन सब को बढ़ाओ। आज फिर वो जमाना आया है जब जैन समाज के सामने उद्योग बढ़ाने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा अवसर है। जैन समाज शिक्षित है, हमारे बच्चे, मुझे बहुत आनंद होता है जब मैं देखता हूँ हर साल जब रिजल्ट आते हैं तो जो टॉप 20-30 बच्चे आते हैं, चाहे SSC होवे चाहे कोई दूसरा रिजल्ट होवे, उसमें 2-5 तो जैन बच्चे होते ही हैं। इतना छोटा समाज है, 0.5% ऑफ पॉपुलेशन, 0.5%, पर उसका प्रेजेंस इन इंडस्ट्री, इन आर्ट, इन साइंस, इन मेडिसिन जबरदस्त बड़ा है। बहुत बड़े बड़े जैन लोग होके गए जो हमारे लिए आदर्श है। आधुनिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण उद्योगपति सेठ वालचंद हीराचंद थे। उन्होंने शून्य में से पूरा विश्व निर्माण किया। ये तो भारत का दुर्भाग्य है कि सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म के चक्कर में प्राइवेट उद्योग को नेहरू घराने ने खत्म कर दिया। पर अगर भारत में उद्योग पनपा है, और पनपा है, तो ये प्राइवेट सेक्टर से पनपा है। इसलिए हम सबको इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए कि बड़े बड़े जैन उद्योगपति होके गए हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, हमारी भावी पीढ़ी भी वो काम कर सकती है। हमें उन्हें प्रेरणा देना है, हमें उन्हें संस्कार देना है। इस बारे में मैं एक बात कह के अपना भाषण समाप्त करूंगा। आप सबको जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम थे उनके बारे में पता है। उन्होंने एक मंत्र दिया था, एक फॉर्मूला दिया था, E=F, Education = Future। मैं समझता हूं कि ये फॉर्मूला अधूरा है। E+E, Education + Enterprise = FP, Future Prosperity। अगर आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो एंटरप्राइज चाहिए है, सिर्फ एजुकेशन से काम नहीं होता है। आज तक जैन धर्म का, जैन संप्रदाय का, जैन समाज का जो रवैया रहा है वो घुल मिल के समाज में रहने का रवैया रहा है। मुझे आश्चर्य होता है, आप छोटे मोटे गांव में चले जाओ, एक जैन व्यक्ति सुनार की दुकान लगा के वहाँ बैठा है जहाँ आजू बाजू में सब लोग उसके खिलाफ है। ये हिम्मत है, ये अपने बलबूते पे वो वहाँ जाके बिजनेस करते हैं। तो ये जो शक्ति है, इस शक्ति को अगर आगे बढ़ाना है, जैन समाज के बच्चों को अवसर देना है, जैन समाज को और प्रगत करना है, तो एजुकेशन और संस्कार, ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण है। एजुकेशन तो देने से होता है, संस्कार देने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं ये चाहूँगा कि आज जितने भी लोग यहाँ पे हैं और जैन समाज के जितने भी लोग हैं, वो इस बात को ध्यान में रखें कि हमारा काम जो है वो सिर्फ पैसा दे के, वो सिर्फ एजुकेशन दे के नहीं होगा। हमारा काम तभी होगा जब हम संस्कार देंगे, और ये संस्कार इतने महत्वपूर्ण हैं कि भारत के जो संस्कार हैं
भारत के संस्कार का जो जीव है वो जैन धर्म के संस्कार है। नमस्कार।